जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा चल रही है, जो कि आपकी परीक्षा 1 जुलाई से स्टार्ट हुई थी और 13 जुलाई तक ये चलने वाली है। इस पर यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो सेफ स्कोर क्या, आप लोग कैसे सेफ स्कोर करेंगे, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कितने क्वेश्चन कहाँ से आपको अटेम्प्ट करने हैं, और पिछली कट ऑफ पर, पिछली बार जो आपका ट्रेडमैन की भर्ती आई थी उसमें आपको क्या कट ऑफ देखने को मिली थी, इस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। हर जगह के आपको कट ऑफ दिखाने वाले हैं और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिखाने वाले हैं, ट्रेड वाइज कट ऑफ दिखाने वाले हैं कि क्या क्या कट ऑफ देखने को मिली थी। टोटल यहाँ पर वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो 9212 वैकेंसी होने वाली है, जिसमें से 9105 वैकेंसी मेल की और 107 वैकेंसी जो है फीमेल की है। 40 प्लस वालों का भी सिलेक्शन हुआ है जनरल में, ये बात मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। जब मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा वहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे, देखिए यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपने फॉर्म कहाँ से भरा है। स्टेट वाइज कट ऑफ बनेगी, ट्रेड वाइज कट ऑफ बनेगी और कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपने कौन से स्टेट से फॉर्म भरा है जहां से कट ऑफ कम जा सकती है, किस ट्रेड से फॉर्म भरा है जिससे कट ऑफ कम जा सकती है, और फिर आपकी कैटेगरी, अगर आपकी नीचे है जैसे एससी एसटी कैटेगरी है तो आपकी कट ऑफ और कम जा सकती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जा रहा है कि किस स्टेट से, जहां से स्टेट से किस स्टेट से कट ऑफ कम जाने की संभावना रहती है, वहां से अगर आपने फॉर्म भरा है तो वेल गुड, अगर आपके नंबर कम भी है तब भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं नीचे कि किस किस स्टेट से वैकेंसीज थी और कहां कौन कौन से ट्रेड में वैकेंसीज थी। तो टोटल आप लोग नीचे देख सकते हैं, यहां से अगर हम लोग इसको बड़ा करें तो देख सकते हैं, यहां से आप लोग देख सकते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी आपके सामने दी गई है और किस स्टेट से कितनी वैकेंसी है, आप सामने देख सकते हैं किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो यहां से आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टोटल यहां पर अगर हम लोग बात करें कितने स्टेट हैं, तो यहां पर 28 स्टेट्स की यहां पर बात हो रही है। 28 स्टेट में वैकेंसी देखने को मिल रही है और 4 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो टोटल मिला के यहाँ पर 32 राज्यों से ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। यहीं अगर हम लोग बात करें कि किस यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो ट्रेड में कौन कौन सी ट्रेड में वैकेंसी है, तो ट्रेड देख सकते हैं आप लोग नीचे देख सकते हैं किस किस ट्रेड में यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है और किस ट्रेड के लिए आपको किस चीज का ज्ञान होना आवश्यक है, उसके सामने लिखा हुआ, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए चालक, फिटर, बिगुलर, दर्जी, मोची, किसका क्या काम रहता है किस ट्रेड में यहाँ पर, वो भी आपके सामने मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। बढ़ई, पेंटर, उसके बाद देखिए माली, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, रसोईया, जलवाहक, उसके बाद तीन और आपकी रह जाती हैं, तीन चार, ये देखिए कौन कौन सी हैं, नाई, हेयर ड्रायर, धोबी, सफाई कर्मचारी, मैसन, उसके बाद आपकी हो जाएगी यहाँ पर देखिए प्लंबर और इलेक्ट्रीशियन प्लंबर। यहां पर आपको टोटल जो वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही है, टोटल यहां पर आप ऊपर देखेंगे, ऊपर मेंशन है यहां पर, टोटल यहां पर वैकेंसी यहां देखिए आप लोग, टोटल 15 ट्रेड में ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। किस ट्रेड से कितनी वैकेंसी है यहां पर आप लोग देख सकते हैं, किस ट्रेड से किस स्टेट से कितनी वैकेंसी है, सभी चीज यहां पर बिल्कुल मेंशन की गई है। यहां पर अगर हम लोग सेफ स्कोर की बात करें, अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आपको कितने अटेम्प्ट करके आने, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, क्योंकि 1/4 की यहां पर माइनस मार्किंग देखने को मिल रही है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, और जिनका भी एग्जाम हो चुका है उन स्टूडेंट से बात हुई है तो उन्होंने कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपको एक बार मैं बता दे रहा हूं। यहां पर अगर हम लोग बात करें मैथ सेगमेंट की, तो मैथ्स में देखिए 15 से 18 क्वेश्चन तक इजी अटेम्प्ट, यानी कि देखिए जो एवरेज स्टूडेंट है वो 15 करेगा, जो अच्छा स्टूडेंट है वो 18, 15 से 18 के बीच में स्टूडेंट का जो है, ये मैं बता रहा हूं माइनस मार्किंग के बाद, यानी कि कटने पिटने के बाद आपके 15 से 18 क्वेश्चन मैथ्स में बन रहे हैं। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो 18 से 20 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट 18 और सही स्टूडेंट थोड़ा सा 20 क्वेश्चन सही करके आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर जीके और जीए की, तो देखिए 12 से 15 क्वेश्चन यहां पर जीके और जीए में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हिंदी सेगमेंट की, तो हिंदी सेगमेंट में भी 18 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहे हैं, किसी का हिंदी था, किसी का इंग्लिश था, जिसने भी जॉब किया है, 18 से 20 क्वेश्चन। तो यहां से एक अंदाज लगाया जा सकता है कि एवरेज, देखिए एवरेज यहां से क्या निकल के आ रहा है, एवरेज आपका निकल के आ रहा है यहां पर 63 से लेकर आपका, यहां से देख सकते हैं आप लोग, यानी कि यहां से 63 और 73 का एवरेज निकल के आ रहा है, यानी कि एक जो कमजोर स्टूडेंट है वो ओवरऑल 63 क्वेश्चन तो 100% कर ही सकता है,
और यहाँ पर 72 क्वेश्चन जो है अच्छा स्टूडेंट है वो 7300 में से 73 नंबर लाए जा सकते हैं। अगर इन दोनों के यहाँ पर एवरेज की बात करें तो यहाँ से एवरेज निकाल कर जो कट ऑफ है वो हम लोगों ने बिल्कुल निकाली है और लगभग लगभग वही कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है। कट ऑफ से पहले मैं आपको प्रीवियस जो कट ऑफ गई थी मैं आपको उस पर ले चलता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कट ऑफ आपको इस बार की कट ऑफ क्या देखने को मिल सकती है। आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं। ये देखिए 2016-17 में सीआरपीएफ में ट्रेडमैन की वैकेंसी निकली थी, उसमें ड्राइवर के लिए यहां पर देखिए किस स्टेट की बात कर रहा है तो मध्य प्रदेश सेक्टर है और टोटल कितनी पोस्ट थी 59 पोस्ट थी, इसके लिए यहां पर वैकेंसीज निकली थी। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर कट ऑफ क्या देखने को मिली है ड्राइवर की। तो देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं, यहां से आप लोग देख सकते हैं ड्राइवर के लिए। जनरल के लिए देखें यहां पर जनरल के लिए कितनी, देखिए जनरल में जो रैंकिंग वाइज यहां पर दिया गया है 1, 2, 3 ऐसे करके रैंक दी गई है, तो रैंक में देखिए पहले नंबर पर 75 वाले का सिलेक्शन हुआ, लेकिन 75 का तो हुआ है, मिनिमम कितने वाले का हुआ है तो मिनिमम आपको मैं नीचे ले चलता हूं, मैं दिखा देता हूं कि कम से कम कितने वाले का सिलेक्शन हुआ है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं 62 नंबर वाले का भी ड्राइवर में सिलेक्शन हुआ है, किसमें जनरल की अगर मैं बात करूं। यहीं अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो मिनिमम यहां पर देख सकते हैं कितना है 57, उसके बाद अगर एससी की बात करें तो एससी में आप लोग देख सकते हैं कितना है 49, और यही अगर हम लोग एसटी की बात करें तो कितना यहां पर देखने को मिल रहा है एसटी में 44। उसके बाद यहां पर देखिए फिटर के लिए जनरल कट ऑफ कितनी देखने को मिली 48। उसके बाद यहां पर देखिए ट्रेड बगलर की यहां पर वैकेंसी थी, उसमें देखिए जनरल की कट ऑफ कितनी देखने को मिली यहां पर 49, मिनिमम की यहां पर बात कर रहा हूं, ओबीसी के लिए 52, एससी के लिए 48। इसी तरीके से आप लोग नीचे देख सकते हैं कंप्लीट हर जगह के लिए अलग अलग, यहां पर हर ट्रेड के लिए अलग अलग कट ऑफ यहां पर दी गई है। अब बिल्कुल आप लोग इजीली देख सकते हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप एसएम स्टडी गुरु सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ देख सकते हैं प्रीवियस कट ऑफ क्या देखने को मिली। एक और आपको एक और स्टेट की दिखा देते हैं, देख सकते हैं ये कहां से, गुजरात स्टेट के लिए यहां पर वैकेंसीज थी, उसमें आपकी देख सकते हैं यहां पर ड्राइवर पोस्ट के लिए जनरल की कितनी, जनरल की यहां पर क्या कट ऑफ देखने को मिली। देखिए मैक्सिमम कट ऑफ तो यहां पर जो नंबर था जो बच्चा पास हुआ था उसके 66 नंबर थे, जबकि यहां पर नीचे अगर मिनिमम की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम में आप लोग देख सकते हैं नीचे जनरल की, देखिए जनरल की सारी चल रही है, जनरल में देखिए मिनिमम में यहां पर कितना आ गया 50 नंबर वाले का भी यहां पर गुजरात। देखिए सबसे ज्यादा कट ऑफ कहां देखने को मिलती है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, यहां से कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलती है, बाकी अदर स्टेट से बहुत कम कट ऑफ देखने को मिलती है। यही अगर हम ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो देखिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए ड्राइवर पोस्ट के लिए कट ऑफ कितनी देखने को मिली थी, तो कट ऑफ देखने को मिली थी आपको 38 नंबर, यानी कि 38 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हुआ था, किस पोस्ट के लिए, ड्राइवर पोस्ट के लिए। उसके बाद यहां पर हम लोग अगर एससी कैंडिडेट की बात करें, एससी कैंडिडेट के लिए देखिए यहां पर कितनी कट ऑफ गई थी 39, और यही अगर एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो एसटी कैंडिडेट के लिए देखिए ड्राइवर के लिए कितनी यहां पर कट ऑफ गई थी 45। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी है और अलग अलग ट्रेड के लिए हर स्टेट की अलग कट ऑफ यहां पर देखने को मिल रही है, तो डिफरेंट टाइप की कट ऑफ है, तो एक कट ऑफ बता पाना बहुत ही मुश्किल होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो हर एक कट ऑफ बता दिया वहीं के लिए हर जगह के लिए हर स्टेट के लिए वही कट ऑफ चली जाए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आपके सेफ स्कोर अगर आपका इतने नंबर बन रहे हैं तो 100% आपको, देखिए आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो क्या है, पहले हो गया आपका टेस्ट, हो गया सीबीटी टेस्ट, उसके बाद होगा आपका पीएसटी और पीईटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, उसके बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के बाद आपका होगा मेडिकल, और मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो यहां पर एक सिक्वेंस वाइज आपका चल रहा है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि आपको नेक्स्ट स्टेज में यानी कि पीईटी और पीएसटी में जाने का मौका मिलेगा तो आपकी कट ऑफ क्या होनी चाहिए, तो एक बार कट ऑफ पर नजर, यहां से देखिए कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो 100% आप नेक्स्ट स्टेज की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम लोग यहां पर बात करें जनरल के लिए जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो 67 से 69 नंबर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर हम लोग यहां पर बात करें तो 64 से 66 नंबर अगर आपके बीच में बन रहे हैं, इसके बीच में बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। एससी कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करें तो 61 से 63 नंबर, और यहीं अगर हम एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो 58 से 60 नंबर।
आपके देखिए आपके ये मैं बता रहा हूँ जहां से कट ऑफ ज्यादा जाती है, जो अच्छे स्टेट से यूपी बिहार राजस्थान इनसे कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलती है। बाकी अगर आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म भरे हैं, अलग ट्रेड से फॉर्म भरे हैं, तो आपकी कट ऑफ हो सकता है 40 ही चली जाए, हो सकता है 50 ही चली जाए, जनरल कैंडिडेट है। यहां पर मैं एक बेसिक कट ऑफ की बात कर रहा हूं, अगर आपके इतने नंबर है, आपने कहीं से भी फॉर्म भरा हो, आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आप लोग जो आपकी कट ऑफ इसमें प्लस माइनस 2 आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके इससे में से मान लीजिए 67 है, 67 में अगर आपके प्लस माइनस 2 करेंगे तो 65 और 71, अगर आपके 65 नंबर भी जनरल बन रहे हैं तब भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बन रहे हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है इधर उधर की आपने कि 80 कट ऑफ जाएगी कि 200 गए 100 में से, ऐसे मान लीजिए 80 कुछ चैनल बता रहे हैं 80 कट ऑफ जाएगी 85 कट ऑफ जाएगी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जो मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, कट ऑफ आपको इसी के बीच में लाई करने वाली है, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।